आज मैंने आप लोगों का साथ एक इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि पोहा का स्वीट्स। आप लोग कभी पोहा से ऐसे स्वीट बनाकर खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो आज चलिए पोहा का स्वीट मिलकर बनाते, जो बहुत स्वादिष्ट का साथ साथ और हेल्दी। आज इसे हम इस तरीका से घर पे तैयार करेंगे, आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार। मामीज किचन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। देखिए, इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक कप पोहा ली और दो पके हुए केले लेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन को अच्छा से गर्म कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा जो स्वीट थोड़ी स्वादिष्ट बने। अब इसे हम थोड़े मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे। अब देखिए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसे गैस को रखकर अभी हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ी आलमंड, थोड़ी काजू और थोड़ी सी किशमिश लेकर इसे हम पहले फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर पहले आलमंड डाल ली और फिर हमें काजू डालकर इसे हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। अब जब तक गोल्डन फ्राई हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेनर लेकर जो पोहा हमें 1 कप ली थी उसे हम ऐसे क्लीन कर लेंगे, ताकि इसमें जो पाउडर और इसमें जो गंदगी रहता है वो क्लीन हो जाएगी। इसे हम स्टेनर से अच्छा से छान कर लेंगे। और देखिए, आप चाहे तो इसे कपड़ा से भी पूछ सकते। अब इसे आप देख पा रहे हैं, हमारे जो ड्राई फ्रूट थोड़ी थोड़ी फ्राई हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, जो किशमिश रखे थे उसे हम डालकर इसे भी हम 2 सेकंड के लिए काजू आलमंड का साथ थोड़े भून लेंगे। जब तक किशमिश थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे फूल जाए, तब तक के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। अब देखिए, किशमिश कितना बड़ा बड़ा फूल चुकी। और इसे हम क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट हम एक बाउल में इसे हम निकाल लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा कढ़ाई में थोड़ी सी घी बच चुकी। अभी हम क्या करेंगे, वही घी से हम जो 1 कप पोहा लेते इसे हम वही घी से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा ले, जो परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से हम सारे चीज़ क्वांटिटी में लेंगे, ताकि आप लोग जो भी बनाए आसान से बन जाए। फिर हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे हम पोहा को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब तक पोहा थोड़ा आँच से हमें इसे चेक करेंगे, जब तक ये तोड़ जाए तब तक के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। और पोहा का कलर जब तक थोड़ा चेंज हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इसे फ्राई की, तो ये देखिए पोहा से थोड़ी कलर चेंज हो चुकी। अब देखिए, इसे हमें थोड़ी लेकर चेक करते, देखिए पोहा अच्छा से आसान से तोड़ जा रहे। अब इसे हम और 2 सेकंड के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसे हम जो भी पाउडर बनाएंगे ना वो आसान से पाउडर बन जाए। फिर देखिए, यहाँ पर अच्छा से पोहा हमारा फ्राई हो चुकी। इसे हम एक प्लेट में निकल कर इसे हम ठंडा होने तक छोड़ देंगे। आगे आइए तैयार करते। फिर हमें वही कढ़ाई लेकर इसे हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। आप देखिए, परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से मैंने 1 कप पोहा ली थी, वो हिसाब से मैंने 1/2 कप गुड़ ली। आप गुड़ का जगह में भी शक्कर भी डालकर बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गुड़ हम डाल देंगे। आप गुड़ पसंद नहीं था, आप शुगर से भी बना सकते हैं। फिर हमें जितना गुड़ लेंगे उतना आधा इसे हमें पानी डाल लेंगे। जितना गुड़ उसका आधा इसे हम पानी डालकर गुड़ थोड़े मेल्ट होने के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। आइए दूसरा तैयार करते। देखिए, हमारा पोहा जो अच्छा से ठंडा हो चुकी। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इसे अब हम कवर करते हुए इस एक पाउडर बना लेंगे, जो पाउडर के मैं आगे बताती हूँ। हमको इसे प्लेन पाउडर नहीं बनाना, हमको थोड़े दरदरा पाउडर बनाना है। देखिए, इसे इसे हमारा दरदरा पाउडर बनना चाहिए। देखिए, फिर हमें इसे मिक्सचर जार में दिखाती हूँ। देखिए, इसे हमको पाउडर चाहिए। फिर हमारा जो पाउडर अभी तैयार हो चुकी, इसे हमें वो प्लेट में निकाल लेंगे। अब
जब भी बने ऐसे दरदरा पाउडर से बने आपका जो स्वीट्स अच्छा और टेस्टी बनता है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, वही जार में हमें पहले जो बताया था ना, 2 केले लेंगे। ये बहुत तैयार हो चुके केले और इसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, मैं उसी से ही बनाऊंगी। देखिए केले का फ्लेवर बढ़िया आएगा, इसे जो स्वीट्स हम बनाएंगे ना पोहा का साथ, ये केले से वो फ्लेवर लाएगा, हमारा कोई फ्लेवर डालने का ज़रूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 2 केले को इसे छिलका निकल कर इसे हम डाल देंगे मिक्सचर जार में। फिर परफेक्ट मेजरमेंट हिसाब से मैंने 1 कप दूध ली, जो कि ठंडा दूध मैंने गर्म करके इसे ठंडा कर ली थी, वही दूध डालकर इसे हम एक बार मिक्सचर जार में इसे पीस लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसे हम ऐसे 1-2 बार पीस कर लेंगे। अब हमारा जो केला और दूध अच्छा से पीस चुके, अब हमें इसे क्या करेंगे, हमारा देखिए जो कढ़ाई में हमें गुड़ और पानी डालकर इसे मेल्ट करते थे वो अच्छा से उबल आ चुके। फिर हमें जो केले और दूध का मिश्रण इसमें हम डालकर इसे अच्छा से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम पर रखकर इसे हम कंटिन्यूस चलाएंगे। गुड़ वजह से हम जो दूध डाले थे ना, केला दूध, थोड़ी छेनना जैसे हमारा फट जाएगी। फिर इसे कोई बात नहीं, उसे बनना चाहिए। फिर हम क्या किया, जब तक इसे उबल आ रहे ना, हम तब तक जो ड्राई फ्रूट हम ली थी इसमें काजू और आलमंड को निकाल कर इसे हमें दरदरा पाउडर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो काजू और बादाम को इसे लेकर इसे हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। किशमिश को हम अलग साइड में रख देंगे। देखिए हमारा जो पाउडर अभी साइड में रख कर अभी और एक बार इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा जो गैस का फ्लेम मीडियम पर रख कर हम इसे कंटिन्यूस कुक करेंगे। अब हमें थोड़ी सी मीठा इसमें स्वाद आए, चुटकी भर नमक इसमें हमें डाल देंगे और कंटिन्यूस इसे हमें चलाते रहेंगे। ये जब तक थोड़ी ठीक हो जाए तब तक के लिए इसे हमें कंटिन्यूस चलाएंगे। अब आइए जिसमें हम स्वीट्स सेट करने के लिए तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक केक का टिन ली, जो कि स्वीट बनाने के लिए आसान होगा। और इसे हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप ऑयल डालकर इसे हमें अच्छा से स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को। फिर हमें थोड़ी किशमिश से इसे हमें नीचे डेकोरेट कर लिए डाल देंगे और थोड़ी 2-4 काजू मैंने 2 हिस्सों में 2 टुकड़े करके इसे हमें भी डाल देंगे, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। फिर हमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालकर इसे हम पहले से तैयार कर रखेंगे साइड में। फिर हम क्या किया, देखिए हमारा जो बेटर थोड़ी ठीक हो चुकी। फिर हमें जो ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट जब भी पाउडर बनाए थोड़ा दरदरा बनाए, फिर हमें किशमिश डालकर सारे चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो पोहा का दरदरा पाउडर बने थे इसे भी हम डाल देंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो रख कर इसे हम कंटिन्यूस कुक करेंगे और कंटिन्यूस चलाएंगे। इसे कोई लम्स वगैरह नहीं रहेंगे रहने देंगे, इसे कंटिन्यूस चलाएंगे ताकि थोड़ी ठीक हो जाए। फिर हमें आगे देखेंगे। अभी 2 मिनट का बाद देखिए हमारा जो बैटर अच्छे से ठीक हो चुकी। अब हम थोड़ी सी और स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर दी। इसमें क्या टेस्ट अच्छा आता है स्वीट्स का, जब भी घी में बनाते ना वो स्वीट्स का फ्लेवर और स्वीट में जो स्वाद बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी यूज कर रही हूँ और इसे हम डालकर अच्छा से इसे हमें मिला लेंगे। फिर हमें थोड़ी सी स्वीट का कलर चेंज हो जाए और पोहा से बने इसे किसी को मालूम ना पड़े, इसलिए मैंने 1 ड्रॉप फूड कलर डाल ले हूँ, जो कि रेड फूड कलर। इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और थोड़ी ठीक होने तक इसे हमें लो फ्लेम पे इसे हम कुक करते रहेंगे। इसे कंटिन्यूस हमें 2 मिनट के लिए इसे हमें लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक पोहा का अच्छा सारे फ्लेवर घुल मिल जाए। फिर हम तब तक देखिए हमारा जो बाजार में जैसे बर्फी वगैरह मिलता है, जितना ठीक चाहिए उतना ठीक हमें
कंटिन्यूस ऐसे कुक करेंगे तो ये थोड़ा ठीक हो जाए। फिर देखिए हमारा जो स्वीट बनने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तुरंत इसे हमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे हमें सारे जगह में इसे फैला 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 कर इसे हमें स्प्रेड कर लेंगे। और थोड़े कच्चे से इसे हमें स्प्रेड कर दबा दबाते हुए स्प्रेड कर लेंगे, ताकि ये एक लेयर में और एक साइज में बने। ये बनाने में बहुत आसान, और आप लोग कोई भी इसे बना सकते और खाने में इतना टेस्टी। देखिए मैंने आधा घंटा के लिए इसे ठंडा होने के लिए किचन में छोड़ दी, आधा घंटा का बाद इसे हम अब इसे हमें एक चाकू लेकर इसका जो किनारे में थोड़े कट लगाएंगे। फिर हमें आप लोगों को जैसे शेप पसंद हो इस शेप से काट ले, फिर इसे डीमोल्ड कर ले। अब देखिए हमारा जो शूट अब रेडी हो चुकी। आप चाहे तो इसे काजू कतली शेप में भी काट कर एंजॉय कर सकते। देखिए यहाँ पर मैंने एक पीस लेकर आप लोगों को दिखाती हूँ, देख पा रहे इनका जो स्ट्रक्चर, ये जो शाइनिंग कर रहे। आप लोग इसे हमें जो देसी घी में बनाया इसका जो स्वाद लाजवाब, आप लोग खुद जब इसे बनाकर एंजॉय करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये कितना टेस्टी और कितना स्वादिष्ट। ये हम जो पोहा से बनाए बहुत हेल्दी, साथ साथ गुड़ भी इसमें बनाया गुड़ से, और आप लोग ऐसे बनाकर एंजॉय कर सकते। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगे होंगे। तो अच्छा लगे होंगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी का साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ।